वहीं वित्त वर्ष खत्म होने पर बिजली निगम की ओर से बिलों में पूरे साल की एवरेज बेस पर 2 बिल राशि की सिक्योरिटी के तौर पर जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। इसे लेकर लोग परेशान हैं। लोग बिलों में गड़बड़ी की शिकायतें लेकर बिजली निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके बिल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी उन्हें समझने में लगे हैं। शहरवासी गोल्डी बरेजा समेत अन्य लोगों ने बताया कि उनके बिल पिछले दिनों की तुलना में 500 से 2000 रुपये ज़्यादा आए हैं, जबकि जनवरी फरवरी महीने में बिजली का अधिक प्रयोग भी नहीं होता है। भाई मेरा एवरेज बिल जो है 2200 आता है और 2500 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगाकर मुझे बिल दिया है। जब मैंने बिल देखा पेमेंट करने के लिए तो ऑल ऑफ अ सडन मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा बिल डबल कैसे हो गया। तो जब हम बिल को देखा पूरी तरह से तो उसमें एक नॉन एनर्जी चार्जेस का हेड है, उसमें इन्होंने 2500 रुपये चार्ज किए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आम आदमी के ऊपर एकदम वित्तीय भार इतना डाल दिया गया है। पहले से ही इंसान बहुत परेशान है, समाज में उसका घर को चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं, जैसा कि हमारे साथी गोड़ी बरेजा ने बताया कि हमें भी एक्सचेंज साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, ये कहा है कि आप अपना मेमोरेंडम जो दिया है हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। हम आशा करते हैं कि सरकार इसको जल्द ही वापस ले और आम आदमी का ध्यान रखे। जी, आज हम बिजली बोर्ड दफ्तर आए हैं और हम यहाँ पर एक्शन साहब से मिले हैं। अभी आकर यहाँ आने की वजह यह है कि जो हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल अब की बार आए हैं उसमें लगभग आप ये माने जितने का बिल है उससे लगभग 50%